हेलो गाइस, देख सकते हो ये है एक बहुत ही बढ़िया सा अमेजिंग सा एडिट है। लग नहीं रहा कि इसका बैकग्राउंड मैंने चेंज किया। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा ये वाला एडिट कि कैसे इतने अच्छे से बैकग्राउंड के साथ दूसरे बैकग्राउंड को मर्ज किया जाए, वो भी फिएस्टा एप्लीकेशन से। तो भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई फिएस्टा से कैसे बैकग्राउंड को मतलब मैनिपुलेशन करे ठीक से, तो एक वीडियो बना दो। तो उसी के लिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ इसी वाले भाई के लिए। तो बस वीडियो में कंटिन्यू करते जाओ तो सब कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैंने इसको कैसे किया। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है भाई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं इसको एडिट, ठीक है गाइस। देख सकते हो मैंने इसको पहले कटआउट किया, तो कैसे कटआउट किया वो मैं दिखा देता हूँ। मैंने इसको ऐसे इस टाइप से क्यों कटआउट किया वो भी आप लोगों को वीडियो में समझ आ जाएगा। तो अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ एडिट है तो आप लोग भी मतलब ऐसे कटआउट कर सकते हो या फिर पूरा कटआउट कर सकते हो, ठीक है। तो बस जस्ट देख लो मैं इसको ऐसे क्यों कटआउट किया, अभी आप लोगों को समझा दूंगा पूरा, ठीक है। तो वीडियो को बस देखते रहो आप लोग। तो गाइस मैं अपना पीएस टच एप्लीकेशन ओपन कर लिया और अभी क्या करेंगे, हमारा जो मतलब जो कटआउट है हम पहले कटआउट को ले आएंगे। तो कटआउट को ले आते पहले या फिर ठीक। तो गाइस देख सकते हो मैंने अपना कटआउट जो था उसको हमने लेकर आ गया यहाँ पर। तो अभी क्या करेंगे, कटआउट को आप लोग शायद कटआउट करना तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आप पहुंच जाएगा, सीख सकते हो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कटआउट करने के बाद अपना जो बैकग्राउंड आप यूज़ करने वाले हो आप वो वाला बैकग्राउंड को भी ले आ सकते हो, और नहीं तो अपना जो जिस पिक्चर को आपने कटआउट किया उस वाले पिक्चर को भी ले आ सकते हो, ठीक है। तो गाइज मैंने अपना पहले बैकग्राउंड को लेकर आ गया, बैकग्राउंड से मेरा काम होगा। अभी देखो मैं कैसे इसको मर्ज करता हूँ। तो बैकग्राउंड को सिंपली यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दिया और इसके इसके नीचे लेकर आ गया। तो अभी देखो मैंने इसको कर तो दिया लेकिन अच्छे से नहीं हुआ अभी तक। तो इसको अच्छे से कैसे करेंगे वही हम सिखाएंगे अभी। तो जस्ट इसको एडजस्ट कर लेते पहले, रुको पहले कैसे इसको एडजस्ट करते हैं हम दिखा देते हैं। तो अभी इसको हम एडजस्ट कर लिया, देख सकते हो अभी से लग रहा है कि ये थोड़ा सा रियल है, लेकिन देखो यहाँ पर जो पोजिशन है मतलब लग रहा है कि कटआउट करके बिठा दिया कहीं से। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, तो इसको सही करने के लिए हमें फिर से अपने जो ये वाला पिक्चर था इसको पहले ले आना पड़ेगा, मतलब जो इसका जो रियल वाला पिक्चर था, मतलब कटआउट वाला नहीं रियल वाला। देखो मैं उसको रियल को लेकर आता हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये है जो ओरिजिनल पिक्चर है, मैंने इसको लेकर आ गया फिर से। तो इसको क्यों लेकर आया ये आप लोग समझ रहे हो। तो और उसको मैंने इसे कैसे कटआउट किया, तो देखो अभी क्या करेंगे, जो फेड वाला ऑप्शन है फेड में जाएंगे सिंपली। तो फेड में जाने के बाद सिंपली हम नीचे से ऐसे करके इसको एडजस्ट करेंगे, देखो इसको थोड़ा कम करके एडजस्ट करेंगे। तो अभी क्या लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ से ही पूरा बैकग्राउंड हमारा आया था। देखो अभी इसको राइट करते हैं, अभी सेम चीज़ एक चीज़ देखो, अभी यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ जूम करके, तो थोड़ा देखो। तो अभी देखो लग रहा है कि मतलब कटआउट नहीं लग रहा है कि इसको मैंने कटआउट किया, लग रहा है कि ये रियल वाला ही बैकग्राउंड है, देख ही सकते हो। तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको मर्ज किया। और आप चाहे तो अपना बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर भी कर सकते हो, ब्लर इफेक्ट तो दे ही सकते हो, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो 10% ब्लर मैंने दे दिया इसको। तो ब्लर देने के बाद देख सकते हो पिक्चर का लुक एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, ऐसा बढ़िया पिक्चर आपने शायद ही कभी देखा है। देखो बहुत ही अच्छे से मर्ज हो गया। तो मर्ज करने के बाद इसको कलर करने की बारी है सिंपली। तो इसको सिंपली सेव करके हम जाएंगे कलर टूल में और लाइट रूम पे और जाके करेंगे इसको कलर, ठीक है। तो गाइस मैं इसको लाइट रूम पे सिंपली लेकर आ गया, अभी करेंगे हम इसको कलर। तो कलर एडजस्ट तो जरूरी है ना, तो कलर एडजस्टमेंट कर लेता है पहले इसको, ताकि ये और भी अच्छा लगे दिखने में पिक्चर हमारा। मतलब पिक्चर अगर अच्छा नहीं लगता ना, मज़ा नहीं आता, कलर कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं होता। तो आप चाहे तो ग्रास को येलो भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब ग्रास का कलर। तो मैंने बस ऐसा ही कर दिया था इसको, तो अभी ठीक लग रहा है मुझे तो। और फिर इसको कलर भी ऐसा रख देते हैं, हाँ काफ़ी हद तक सही लग रहा है अभी। तो होगा इस देख ही सकते हो बहुत ही बढ़िया से हमारा कलर कॉम्बिनेशन भी हो गया और एडिट का लुक भी एकदम बहुत ही बढ़िया हो गया, देख सकते हो। अभी कोई इसको बता नहीं पाएगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज किया है या फिर चेंज नहीं किया है। तो देख सकते हो बहुत ही बिफोर एंड आफ्टर और बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेशन एडिट हो गया हमारा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेशन हो गया हमारा। तो मिलते हैं अगले बार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।